गोबर को तुम गोर लाग रहे हो, तुम कह रहे हो कि देवता है गोबर। जगदेव प्रसाद तोरा घर में पैदा हो, भगत सिंह तोरा घर में पैदा, हमारा घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, ये चलेगा बेईमानी? और घर में जगदेव बनना होगा तब यह आर्य से लड़ाई लड़ेगा। तो मैं बुद्ध का समर्थक हूँ, बुद्ध के एथी के हैं। तो क्या होगा दुनिया भर के बुद्ध के, अम्बेडकर के, जगदेव के, कर्पूरी ठाकुर के, हम मूर्तियाँ सब जगह बैठा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध तो कहे हुए कि हम हमारे मूर्ति पर, स्टैचू पर फूल माला मत चढ़ाना, अगरबत्ती मत चढ़ाना, इससे कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। कल्याण तुम्हारा है कि हमारे बताए गए रास्ते पर तुम्हारे तुमको चलना होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं समझ रहे? आज भी हमारे देश में, अरे लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता, अगर सरस्वती माता, दुर्गा माता, इस पर अगर विश्लेषण और कमेंट, वैज्ञानिक दार्शनिक विश्लेषण किया जाए तो सब तय तय चीज हो। अगर धन का भंडार अगर लक्ष्मी है, विद्या दाता अगर सरस्वती है, तब ही ज्ञान किसी को होगा। तो जिस देश में ज्ञान विद्या सरस्वती माता नहीं है तो परमाणु नहीं तोड़ना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि सारे उसके यहाँ हैं। और भारत में पूजा हो रहा है विश्वकर्मा, 17 सितंबर को होगा। अब विश्वकर्मा भगवान है, हाथी पर चल रहे हैं, इस तरह से कपूर कल्पित। इस बार विद्या धन के सरस्वती हैं, धन देवी है, धन देती। तो अमेरिका क्यों दुनिया के सबसे ज्यादा धनी, उस वक्त सरस्वती का लक्ष्मी का नाम भी वहाँ नहीं, कोई नाम नहीं जानता है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, चीन में, रूस में विद्या देवी है, तो ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लीबिया में कौन जानता है? हल हनुमान के देखे होंगे टीवी पर आप लोग, हनुमान का मंदिर, वहाँ के मुसलमान सब इतना आतंक जुर्म किया कि पाकिस्तान के सब हिंदू भाग के चलाया, हनुमान का मंदिर बनाया हुए था। तो मंदिरवा लेके नहीं भागा, और उसमें बड़का हनुमान का खलीफा बना के बैठाए हुए गदा ले। तो हिंदू वहाँ का पूजेरी सब भाग गया, अब तो उसको पूजा देखने वाला कोई मुसलमान पूजने जाता नहीं। वो एक दिन वहाँ आया, बुलडोजर ले ले आया, टीवी पर न्यूज में आया, अब बुलडोजर ले ले आया है, कहीं से धक्का उघड़ा दिया, वही में हनुमान जाता के मारा हुआ। तो कितना खलीफा है, सूरज लीले हुए था, तो बुलडोजर चलाने वाला को तो उसे उठा के फेंक देता था हिंद महासागर में, सब फंका जाता। इसी तरह से बेहुदा बनाना चाहिए समाज को। देखो बाल समय रवि भक्स की हो तो तीन लोग, इस तरह से कितना अज्ञानी बना के समाज को बेवकूफ बना करके गोर धो के पीवा लिया, गोबर खिया दिया, क्या क्या कुकर्म करवा दिया। ये सब 90% रुपये पर करने में मस्ती मारता है कि बाप दादा करे तो हमें ना बारे की न करो, तो कर बाप दादा करे तो जूता खा के आया, जूता खा। सब राम मंदिर बनेगा, बुद्ध का बनना चाहिए, हर चीज तो बुद्ध का निकल रहा है। उसको कैसे प्रशासन एडजस्ट किया कि न्यूज पर चैनल पर नहीं आने दिया कि यहाँ आंदोलन खड़ा हो जाएगा। एगो तो मुसलमान से बोल परिया है, अगर इसको अगर जनरलाइज कर देंगे न्यूज में आ जाएगा पूरे भारत का, यहाँ का दलित पिछड़ा जब संगठित हो जाए, आने नहीं दिया बाहर। आइए आज न कल हमारा समाज हमारे जैसा हो जाएगा जानकार, तो कबार के राम के मंदिर पैसा न रखेंगे, सब फेंका जाएगा। हॉस्पिटल बना, यूनिवर्सिटी खोलो, मंदिर भी। मैं बुद्ध का समर्थक हूँ, बुद्ध के एथी के हैं। तो क्या होगा दुनिया भर के बुद्ध के, अम्बेडकर के, जगदेव के, कर्पूरी ठाकुर के, हम मूर्तियाँ सब जगह बैठा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध तो कहे हुए कि हम हमारे मूर्ति पर, स्टैचू पर फूल माला मत चढ़ाना, अगरबत्ती मत चढ़ाना, इससे कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। कल्याण तुम्हारा है कि हमारे बताए गए रास्ते पर तुम्हारे तुमको चलना होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं समझ रहे? हमारे पूजा करने से तुम्हारा कल्याण, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ तो मार्ग पर चले नहीं थे, अम्बेडकर जयंती मना दे, फूल फला चला 364 दिन घोड़े टांग प्रसाद के छूते रहो, एक बार जगदेव बाबू के शहादत दिवस मना लो, तो यहाँ क्या जगदेव प्रसाद, हर घर में जगदेव बनना होगा, तब यह आर्य से लड़ाई लड़ा जा सकता। जगदेव प्रसाद तोरा घर में पैदा हो, भगत सिंह तोरा घर में पैदा हो, हमारा घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, ये चलेगा बेईमानी? बोलो ऊँट चुराई खलवे खलवे जाए, ये बेईमानी जिसका नतीजा है जूता चाट रहा है 10 वर्ष।
बड़ी अफसोस होता है कि हमारे लोग कितना भी बच्चे हैं, कितना ना समझ हैं, अगर कहा जाए कि तू ननु जो नहीं बढ़ाता यह वो काबिल बढ़ा। अरे कबीर तो कह दिए टोटल, जब कबीर अपने ज्ञान से पूरे समाज को जब प्रेरित करना शुरू किए, कबीर दार्शनिक नहीं थे, बुद्ध दार्शनिक थे, दृष्टा थे, आँख से देखते थे उसी पर उनका कमेंट है, उसी पर वो चलते थे, आँख से देख रहे वही सच है, आँख से ओझल है उस पर मत विश्वास करो, जानो तब मानो, बुद्ध ने कहा इसी से अर्जन लिया बुद्ध से, जानो तब मानो, आँख के सामने है उसको तुम दे, गोबर को तुम गोर लाग रहे हो और तुम कह रहे हो कि देवता है गोबर, गणेश भगवान पर, और उसका माइक्रोस्कोप से जांच करो कि उसको जानलेवा देवता बाकी मुँह आवे वाला देवता, इतना नालायक बन गया यहाँ का समाज जो उसको विश्वास नहीं।